नमस्कार मित्रों, स्वागत छे तमारो मारो यूट्यूब चैनल मा मेहुल मावाणी एजुकेशन एंड कल्चर। जो मित्रों तमे आ चैनल ऊपर नवा हो तो प्लीज मित्रों चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करजो, एटले के वीडियो नी नीचे आपेलू सब्सक्राइब नो लाल बटन दबावी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करो, जेथी नवा वीडियो लईने आवू तो तमारा सुधी झड़पथी पहोंची शको। मित्रों आजे आपणे आ वीडियो मा जोशुं धोरण 6 विषय संस्कृत फर्स्ट सेमिस्टर एटले के प्रथम सत्र मा आपेल चित्रपदानी 3 अंगे चर्चा करीशुं। मित्रों अगाउ चित्रपदानी 1 अने चित्रपदानी 2 तमे शीखी गया हशो, तो चित्रपदानी 1 मा पुल्लिंग शब्दो विषे जाण्युं अने चित्रपदानी 2 मा स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा विषे जाण्युं। हवे चित्रपदानी 3 मा मित्रों आपणे नपुसकलिंग शब्दो विषे जानकारी मेळवीए। तो मित्रों शुरू करिए चित्रपदानी 3। तो मित्रों वीडियो शुरू करता पहला जो तमने आ वीडियो गमी तो प्लीज मित्रों आ वीडियो ने शेयर करजो, साथे साथे लाइक जरूर थी करजो अने खास सब्सक्राइब करवानू चूकता नहीं। चित्रपदानी 3 मां मित्रों आपणे नपुसकलिंग शब्दों विषे जाणीए, एटले के तमे जोशो तो तमारा पाठ्यपुस्तकना पाना नंबर 4 ऊपर आपेला तमाम शब्दों संज्ञाओ नी पाछळ म अर्धो म छे खोड़ो म छे, एटले के जे शब्दों संज्ञानी पाछळ अर्धो म एटले के खोड़ो म आवतो होय ते तमाम शब्दों संज्ञाओ नपुसकलिंग संज्ञाओ होय छे। आपणने चित्रपदानी 3 म तमाम संज्ञाओ आपेली छे, ते तमाम संज्ञाओ शब्दों नपुसकलिंग शब्दों संज्ञाओ छे। तो शुरू करिए चित्र पहेलू। तो मित्रों चित्र पहेलू आपणने आपी छे रत्नमनु, रत्नम नो गुजराती अर्थ थशे रत्न अथवा हीरो। चित्र बीजु मित्रों आपणने आपी छे छत्रमनु, छत्रमनो गुजराती अर्थ थशे छत्री। आगळनु चित्र आपी छे मित्रों पुष्पम, तो पुष्पमनो गुजराती अर्थ थशे पुष्प अथवा फूल। આગળનું મિત્ર ચિત્ર આપ્યું છે આપણને ઉરુકમ, ઉરુકમનો ગુજરાતી અર્થ થશે પેન્ટ। આગળનું ચિત્ર આપ્યું છે ધનમનું, ધનમનો ગુજરાતી અર્થ થશે ધન અથવા પૈસા રૂપિયા। આગળનું ચિત્ર આપ્યું છે મિત્રો આપણને પુસ્તકમનું, तो पुस्तकमनो गुजराती अर्थ थशे पुस्तक अथवा चोपड़ी। आगळनुं चित्र आपी छे मित्रो आपणने लसुनमनुं, तो लसुनमनो गुजराती अर्थ थशे लसण। आगळनुं चित्र छे सीवन यंत्रम, सीवन यंत्रमनो गुजराती अर्थ थशे सीववानो संचो। मित्रों आपणे चित्र संस्कृत शब्द अने तेनो गुजराती अर्थ आ त्रणेय वस्तुओनो महावरो करी लईशुं, जेथी परीक्षामां कोई पण वस्तु पूछाय तो आपणे तेनो उत्तर व्यवस्थित लखी शकीए। आगळ जोईए, आगळनुं चित्र छे विमानमनुं, विमानमनो गुजराती अर्थ थशे विमान। આગળનું ચિત્ર આપ્યું છે લોકયાનમ, લોકયાનમનો ગુજરાતી અર્થ થશે બસ। આગળનું ચિત્ર છે કૃષ્ણ ફલકમ, કૃષ્ણ ફલકમનો ગુજરાતી અર્થ થશે કાળું પાટિયું અથવા આપણે બ્લેકબોર્ડ પણ લખી શકીએ। છેલ્લું અને અંતિમ ચિત્ર મિત્રો આપણને આપ્યું છે શકટમ, શકટમનો અર્થ થશે બળજગાડું। તો મિત્રો આ રીતે ચિત્રપદાની 3માં આપેલા તમામે તમામ 12 ચિત્રો, તેના સંસ્કૃત શબ્દોના ઉચ્ચાર અને ગુજરાતી અર્થ વિશે આપણે માહિતી મેળવી। મિત્રો આ રીતે વારંવાર મહાવરો કરતા રહીશું તો આ તમામ શબ્દો આપણને આવડી જશે। તો મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને આ માહિતી ગમી હશે, આ વિડીયો ગમ્યો હશે। જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ મિત્રો આ વિડીયોને શેર કરજો,
आ वीडियो की लिंक तमे तमारा अन्य मित्रों सुधी पण मोकलजो। साथे साथे आ वीडियो ने लाइक जरूर थी करजो अने खास कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर थी करजो कि तमने आ वीडियो केवो लाग्यो। कोईपण प्रश्न में समझण ना पड़ी होय तो पण कमेंट बॉक्स में कमेंट करजो, जेथी नवा वीडियो लईने आवुं तो तमारा प्रश्नोना उत्तरो आपी शकुं। अने खास सब्सक्राइब करवानुं चूकता नहीं, एटले के वीडियो नी नीचे आपेलू सब्सक्राइब नू लाल बटन दबावी चेनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करजो, जेथी नवा वीडियो लईने आवुं तो तमारा सुधी झड़पथी पहोंची शकुं। तमारो खूब खूब आभार।